हेलो फ्रेंड्स, आज के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग बहुत बड़ा इश्यू है किसी भी देश के लिए, और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें भी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम कई बार इलेक्ट्रिसिटी स्विच को ऑन छोड़ जाते हैं, जिससे बहुत पावर वेस्ट हो जाती है। ऐसा ही कुछ हम मोबाइल को चार्जर से निकालने पर चार्जर का स्विच ऑफ नहीं करते। लेकिन क्या आपको पता है, बिना मोबाइल के भी चार्जर पावर कंज्यूम करता है। लेकिन कैसे और कितनी, जानेंगे हम आज के वीडियो में। इसके अलावा ये भी जानेंगे, एक खाली सॉकेट भी पावर कंज्यूम करता है या नहीं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों, एक चार्जर जब ऑन सर्किट में लगा हो और स्विच ऑन हो और उससे कोई डिवाइस नहीं चार्ज हो रहा हो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ाता है। इसका जो रीज़न है वो है चार्जर में लगे स्मॉल कंपोनेंट्स। बेसिकली एक चार्जर में चार चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर और रेगुलेटर। इन सब में जो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करता है वो होता है ट्रांसफार्मर। चार्जर में ट्रांसफार्मर का काम स्टेप डाउन का होता है, यानी जो 220 वोल्ट का करंट हमारे घरों में आता है उसे ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, जिससे मोबाइल चार्ज हो सके। जब कोई डिवाइस चार्जर से कनेक्ट नहीं होता है, तब भी ये ट्रांसफार्मर वोल्टेज को चेंज करता है, जिसकी वजह से बिना मोबाइल के चार्जिंग के भी ये पावर कंज्यूम करता है। इसके अलावा कई चार्जर्स में एक LED लाइट भी लगी होती है, जो स्विच ऑन होने पर जलती रहती है, जिसकी वजह से भी ये पावर कंज्यूम करती है। हालांकि चार्जर में इन सब की टोटल अमाउंट 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट के अराउंड होती है, जो कि बहुत कम है। मैंने अपनी एक वीडियो में मोबाइल चार्जिंग करने पर कितने रुपए का खर्चा होता है वो बताया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। सो अकॉर्डिंग टू डेट डेटा, अगर घर में डेली 4 घंटे तक ऐसा बिना मोबाइल के चार्जर का स्विच ऑन रखे, तो साल का ये 10 रुपये तक बिल जनरेट करेगा। हालांकि ये बहुत ही कम है, लेकिन दुनिया में करोड़ों लोग ऐसा करते होंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट होता है वो यहाँ ज़्यादा है। सो मोबाइल चार्जिंग से हटाने के बाद स्विच ऑफ करना ना भूलें। अब बात करते हैं, एक सॉकेट में जब कुछ भी ना लगा हो और स्विच ऑन हो, तो क्या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी? तो इसका सिंपल सा जवाब है, नहीं। बिकॉज जब तक इसमें कोई डिवाइस नहीं लगेगा, तब तक करंट का फ्लो सर्किट में नहीं होगा, जिससे इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ नहीं होगा। तो हम इसे दिन भर स्विच ऑन रखे रख सकते हैं, लेकिन फॉर अ सेफ्टी हमें जब भी कोई स्विच काम ना हो उसे हमेशा ऑफ ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं हर वीक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो डालता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या कोई भी सजेशन है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। एंड लास्ट दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो।